हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। रक्षाबंधन का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। पर्व की रौनक चारदीवारी सहित अन्य बाजारों में देखते ही बन रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए एक से बढ़कर एक खरीदारी करने के लिए सुबह से नारगढ़, चारदीवारी, मालवीय नगर, राजा पार्क, टोंक फाटक, सीकर रोड, सांगानेर सहित अन्य बाजारों में पहुंच रही है। शहर में वैसे तो सैकड़ों प्रकार की डिजाइन वाली राखियां मिल रही है। नारगढ़ रोड स्थित श्याम राखी के ऑनर राजेश मित्तल ने बताया कि हमारे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग से राखियां तैयार की जा रही है। पूरे 12 महीने से राखी बनाने के काम महिलाएं जुटी हुई है। 6 रुपए की राखी से लेकर 600 रुपए तक की राखी ग्राहकों की उपलब्धता करवाई जा रही है। आसपास के रिटेलर राखी खरीदकर शहर व आसपास के गांवों में के छोटे बड़े दुकानदारों को बेच रहे हैं। इस पर राखी पर लड्डू गोपाल की पोशाक की बाजार में डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा डोरी, ब्रेसलेट, भैया भाभी, बच्चों की बेल्ट, कार्टून कैरेक्टर एवं प्रिंटिंग कार्ड वाली राखियाँ ज्यादा चलन में है। मेरा नाम वेदही कंवर है। यहाँ पर लोगों की डिमांड की अकॉर्डिंग राखियाँ तैयार होती है। जैसे कि सीज़न अभी चल रहा है तो राखियों पर राखियाँ बनने जा रही है। वैसे तो 12 महीने चलता है लेकिन सीज़न फरवरी से स्टार्ट हो जाता है हमारा। फरवरी से स्टार्ट होता है और दिवाली के आसपास ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में बांदरवाल वगैरह स्टार्ट हो जाती है, लड्डू गोपाल का स्टार्ट हो जाता है। इसमें जैसे कि ये लटकन है, ये लटकन लगती है, ये बूटी है, ये गैपिंग है और भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। मैंने बहुत सारी तरीके की राखियाँ बनाई, जैसे कुंदन की हुई, बूटी की हुई, मोली की हुई और एडी की हुई, बहुत सी वेराइटीज़ है। क्या छिपाए, मैं यहाँ पे साल भर से राखी बना रही हूँ। अलग अलग तरीके की राखियाँ बनती है। अभी हमारी तबीयत ख़राब है फिर भी हम सीजन कर रहे हैं, अंकल जी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे राखियाँ बना रहे हैं, अच्छी अच्छी राखियाँ बना रहे हैं। जैसे जैसे आती है वैसे वैसे राखियाँ बनाते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे राखियाँ बना बना के देते हैं सबको। यहाँ पे मटेरियल तो बाहर से आता है, फिर हम उस तरह से तैयार करते हैं राखियों को। यहाँ पे मोली की बनती है, जैसे कि एडी की बनती है, डायमंड की बनती है, फिर ये कुंदन की बनती है, बूटी आती है, जैसे ये बूटी आती है, ये बूटी की बनती है राखी। ऐसे अलग अलग तरह के सारे स्टोन वगैरह के इन सब की बनती है राखियाँ यहाँ पे। राखी हम हमारे यहाँ खुद के यहाँ बनती है और 15 लेबर हमेशा रहती है, उनको रोजगार भी मिलता है। राखी एक ऐसा त्यौहार है जिसकी जितनी राखियाँ बनती है उतनी डिमांड बढ़ती है। हिंदुस्तान 150 करोड़ का हो चुका है, तो राखी की पूर्ति करना बना के मुश्किल है। आजकल हैंडमेड राखियों की डिमांड है, उसी हिसाब से राखियाँ हम तैयार कराते हैं। पूरे 12 महीने बनती है। पहले कलकत्ता से ही एक ऐसा शहर था जहाँ से राखियाँ आती थी, आजकल हम कलकत्ता तक राखियाँ भेज रहे हैं। अब केवल कलकत्ता पर डिपेंड रहे तो राखियाँ मेरे ख्याल से हर बहन तक पहुँच ही नहीं पाए, तो इसलिए राखियों की इतनी डिमांड है। और बरसात के चक्कर में ज़रूर 15 दिन से व्यापार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कंपलसरी है, राखी हर बहन लेके जाएगी। और जैसे ही बरसात रुकती है पूरी भीड़ पड़ती है, हर ग्राहक ये देखता है, हर कस्टमर, हर बहन ये देखती है राखी लेके आऊँ पहले भाई के लिए। और राखियों का बाज़ार अच्छा जा रहा है, 2 रुपये से लेके हमारे यहाँ 500 रुपये तक राखी बनती है। उसी के साथ इस बार लड्डू गोपाल भी डिमांड में है, लड्डू गोपाल की राखियाँ डिमांड में है। लड्डू गोपाल की ड्रेस वगैरह हम खुद बनवा रहे हैं, वो भी चालू किया है, इसी से कंसल्ट में है। भाई लेडीज़ वगैरह की दुकानदारी है तो उसी हिसाब से साथ सब चीज़ जा रही है साथ ही, और हमारे यहाँ खुद के यहाँ बनती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और जितनी डिमांड है, हमारे यहाँ लेबर की तबीयत ख़राब हो रही है तो भी उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, दवाई लेके भी, तो सब चीज़ चल ही रही है अभी। मेरी राखियाँ इंदौर जाती है तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ, मुझे हर बार नए पैटर्न्स मिलते हैं और सोचना नहीं पड़ता रेट वगैरह किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना पड़ता। मैंने तो पैक कर ली तो और देख रही थी। हाँ सेट भी लिए हैं, सिंगल राखियाँ भी ली है, बच्चों की भी ली है, सभी टाइप की राखियाँ हैं। सिरोही से खबर, जहाँ पाड़ियों के बरली स्थित झोरा परगना भील समाज की ओर से राम रसोड़े का शुभारंभ राज्य मंत्री ओटाराम देवासी व सांसद दुमाराम चौधरी के हाथों हुआ। झोरा परगना भील समाज की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7वें राम रसोड़े का शुभारंभ हुआ, जब बाबा रामदेव जी के जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए भोजन, पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान भील समाज द्वारा अतिथियों का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है।
सिरोही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जहां देश भर में गुस्सा है, वहीं सिरोही के सर्व हिंदू समाज की ओर से संतों के नेतृत्व में शुक्रवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर विरोध जताया। हिंदू समाज की विशाल आक्रोश रैली के अंदर शहर के व्यापारियों का भी समर्थन मिला। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने आधे दिन बाजार बंद रखे। रैली में संत समाज के राजूगिरी, रूपगिरी, शंकरगिरी, महेश दास सहित अनेक बिरादरी के पंच प्रमुख भी इस आक्रोश रैली में शामिल हुए। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो हमारे ही समाज के बंधु हैं, और ये आज जो 5000 का जनसभा उभड़ा है, इसी प्रकार से जब भी जो हिंदू से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज सक्षम है, और आने वाले समय में अगर हिंदू समाज के ऊपर इसी प्रकार से अत्याचार होता है तो पूरा समाज एकत्र होकर के उसका मुंह जोड़ जवाब देगा। अगर जो हिंदू से टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। बांग्लादेश के हमारे भाई, हमारे बंधु, उन जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, पूरा भारत नहीं, पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत, समग्र राष्ट्र उनके साथ में पीछे खड़ा है। इसलिए आने वाला समाज, आने वाला समय, अगर हिंदुओं के खिलाफ में कोई खड़ा होता है तो समग्र हिंदू समाज एकत्र होकर के उसका मुंह तो जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत। सूरतगढ़ से खबर, जहां पूर्व मंत्री रामप्रताप कासनिया के बहत्तरवें जन्मदिन दिवस पर भाजपा किसान मोर्चा व होस्टल लाइब्रेरी यूनियन ने केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। स्वस्थ, समृद्ध व दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान किसान मोर्चा अध्यक्ष विष्णु तरड, पर्यावरणीय कोर कमेटी युवा मोर्चा के अध्यक्ष दयाल जाखड़, मुख्तार सिंह, अजय गोदारा, पवन शर्मा, गिरदावर किशोर सिंह, प्रकाश शर्मा, पत्रकार सुभाष चौधरी, होस्टल लाइब्रेरी यूनियन अध्यक्ष आदि भी उपस्थित रहे। वहीं कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में चिकित्सकों में भारी आक्रोश है, और ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में भी पिछले 3 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, और अब रेजिडेंट चिकित्सकों ने भी आपातकालीन सेवाओं का भी बहिष्कार करने के साथ ही आज उन्होंने रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ये रैली महात्मा गांधी अस्पताल से रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने के साथ संपन्न हुई। नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र चारण, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। हम कोलकाता में किसी पीजी रेजिडेंट के साथ हुई दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के विरोध में सरकार के चुप रहने और अभी तक उसको न्याय नहीं मिलाने के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पूरे देश भर में चल रहा है। पूरे राजस्थान के सभी कॉलेजेस हड़ताल पे है, क्योंकि उस लड़की को न्याय नहीं मिला, और सबूत मिटाने के लिए 3-4 हज़ार लोगों ने घुस के हॉस्पिटल में उपद्रव किया, जो 15 अगस्त की रात थी। तो हम सरकार से और आमजन से अपील करते हैं, हमारे इस मामले में साथ दें, क्योंकि वो लड़की भी किसी की बेटी बहन थी। सारे डॉक्टर सड़कों पर है, सब लोग सड़कों पर, इमरजेंसी बंद है, सब कुछ बंद है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि सेंट्रल के अंदर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और उस पीड़ित को न्याय मिले। हमारे साथ जोधपुर एम्स पूरे रेजिडेंट, उसके यूजी स्टूडेंट और अरिश्ता हमारे साथ हैं, और नर्सिंग एसोसिएशन ने भी हमें सपोर्ट दिया है। तो हमारी आप जन से भी राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,